देखा जाए। चलो देखो मेरे साथ। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि इक्विटी शेयर्स जो है उनका अभी छोड़ दो, हमारे पास से अभी कोई मतलब नहीं, फिलहाल अभी इनको छोड़ देते हैं। सीधे आते हैं हम लोग, पहले असेट्स की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करते हैं? असेट्स की। तो बोल रहा है कि 6% फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर जो है फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। 3 लाख के मेरे क्या है? डिबेंचर्स है। सबसे पहले डिबेंचर की बात कर लो। डिबेंचर हमारे पास कितने हैं? 3 लाख है। इनका पेमेंट होगा और इन्होंने बोला है कि भैया हम तो क्या है गिरवी रखे हैं। हमने क्या रखा है? गिरवी। भैया हम लोग क्या है? सिक्योर्ड है एक तरह से, यानी कि ये लोग क्या है? सिक्योर्ड है। और सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखा है इन्होंने, देखते हैं। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुए फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड बिल्डिंग। उसके अलावा मेरे पास क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं। और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं? बुक वैल्यू 60,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। और इन्होंने क्या रखा है? बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर्ड रखा है, यानी कि इन्होंने गिरवी के तौर पे क्या रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग, यही है। जल्दी से बताओ क्या ये फुल्ली सिक्योर्ड है? इसका मतलब तो ये तो पूरा 60,000 मांग रहे होंगे, यही ना? बोलो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स हुए सेकंड चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ ₹30,000। उसके बाद ये तो फुल्ली की बात हो गई, ये वाले कौन थे? फुल्ली थे। अब ये कौन है? पार्टली वाले। तो पार्टली वाले कहते हैं साहब कि हमारे पास सिक्योर्ड जो हम लोग पार्टली सिक्योर्ड थे वो कितने थे? हमारे पास टोटल था कितने का? 50,000 के थे, ठीक? और हमने सिक्योरिटी रखी है कितनी? लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने की? यही कहानी बोला है ना अब तक, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 5,000 है, चलो इसकी चर्चा करेंगे। अनसिक्योर क्रेडिटर्स हमारे पास दिया हुआ है, इन एडिशन टू इतना दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना है। लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000, एस्टिमेट लायबिलिटी 4,500। मैंने डिस्कस कर लिया कि 4,500 हमारी क्या होगी? कंटिजेंट लायबिलिटी होगी, ठीक? 10,000 की टोटल लायबिलिटी थी, लेकिन जिसमें से 5,500 क्या हो गया? पे हो गया। 4,500 अभी पे करना बाकी, यानी कि वो मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, ठीक? बिल्स रिसीवेबल आउट ऑफ विच, अब हम लोग बात करते हैं बीआर की। किसकी बात करते हैं? बिल्स रिसीवेबल की। एक आदमी थे बिल्स रिसीवेबल नाम के। किस नाम के? बिल्स रिसीवेबल नाम के, ठीक? बिल्स रिसीवेबल की अगर हम बात करें तो जरा बताओ, बिल्स रिसीवेबल आउट ऑफ विच 1 बिल ऑफ 5,000 इज बैड। इनके पास जितना भी बिल था, पहले बताओ बिल था कितने का? 15,000 का था, जिसमें से कह रहे हैं कि एक तो जो है 5,000 वाला वो तो बैड हो गया, बुरा हो गया, तो अच्छे वाले कितने होंगे? इन्हीं सबको पैसा मिलेगा, बाकी तो 5,000 क्या हो गया? डूब गए। फिर क्या कह रहा है? डेटर। तो बुक डेट्स हमारे पास, यानी कि एक हमारे पास क्या थे? डेटर भी थे। डेटर के लिए क्या कह रहा है? गुड हमारे पास कितने हैं? 1,25,000। और बैड कितने हो गए? 21,000, यही है ना? यानी कि बैड डेट हो गया मेरा, ठीक? और इन्वेंट्री जो है वो मेरे पास कितने की है? सर हमारे पास इन्वेंट्री भी है, और इन्वेंट्री कितने की है? 1,20,000 के। लेकिन इसकी रियलाइज वैल्यू जो है, रियलाइज्ड वैल्यू ज्यादा हो गई है, और कितनी हो गई है? 1,00,000। इसका मतलब कि 30,000 से ज्यादा हो गई है, ठीक है? पक्का? फिर क्या कह रहा है? उसके बाद से कह रहा है मशीनरी हमने लॉन्च किया बैंक ओवर ड्राफ्ट की। कहीं हम लोग बैंक ओवर ड्राफ्ट नहीं लिखे हैं क्या? नहीं सर, बैंक ओवर ड्राफ्ट तो नहीं लिखे हैं। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट हमारे थे कितने के? 75,000 के। और इसके बदले मैंने सिक्योरिटी रखा है, सिक्योर्ड रखा है क्या? मशीनरी। और मशीनरी कितने की सिक्योर्ड रखे हैं? मशीनरी लॉज विद द बैंक एज सिक्योरिटी फॉर ओवर एस्टिमेटेड लाइजेबल वैल्यू, कितनी है मशीन की? 1,10,000। 1,50,000 की थी मशीन, कितने की थी? और लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि रिलायंस कितना हुआ है, तो सरप्लस ये हुआ कि नहीं? बोलो, जहां जहां ज्यादा होगा वहां वहां मेरा सरप्लस निकलेगा,
तो यहाँ पे 75,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा हमको कितना मिल रहा है उनसे, 1,10,000 का। इसका मतलब मेरे पास क्या है, सरप्लस है। ठीक है, अच्छा और क्या है इसके बाद से कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग की एस्टिमेटेड लैंड एंड बिल्डिंग। तो जरा लैंड एंड बिल्डिंग की कहानी देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास बुक वैल्यू उसकी कितनी थी, 1,50,000 की बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू उसकी कितनी है, 1,30,000। और वो रिलायंस कितना हुआ, यही था ना। अरे बोलो, अब जरा मुझे ये बताओ, ये 1,00,000 में 60,000 तो सिक्योर था ना, 60,000 वाले क्या थे, सिक्योर थे। कितना बच गया, 40,000। इस 40,000 में भी एक तो पार्टली सिक्योर वाला था, और पार्टली सिक्योर वाला कितना लिया था, 30,000 का, यही है ना। अरे ये 30,000, ठीक, यही कहानी बोला है इतनी। और ये जो 10,000 है वो तुम्हारा एसेट रिलाइज माना जाएगा, 10,000 रुपया तुम्हारे पास एसेट के रूप में पैसा रहेगा, क्योंकि 60,000 तो ये ले गया और 30,000 कौन लेते गया, पार्टी वाला। बाकी जो 10,000 बच जाएगा वही मेरे पास क्या है, मेरा खुद का एसेट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम तुम लोग ये भी कर सकते हो, दिमाग में तुम्हारे ये सब चलने लगना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सा रियलाइजेशन लॉस है। पहले तो ये खोजो कि कितना कितना क्या रियलाइजेशन लॉस है। रियलाइजेशन लॉस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द रियलाइजेबल वैल्यू। तो पहले तो यही काम कर लेते हैं कि कहां कहां से मेरे पास लॉस हुआ और कहां कहां से मेरे पास प्रॉफिट हुआ है। तो पहले बात करते हैं, यहां एसेट दिख रहा है, नहीं यहां एसेट अभी दिख रहा है, एसेट कोई एसेट नहीं दिख रहा है, यहां भी कोई एसेट की बात नहीं हो रही है। एसेट की बात हो रही है यहां पे, बेस रिसीवेबल में 5,000 क्या हो गए, अच्छा तो हम क्या कह सकते, 15,000 की जगह कितना मिला, तो 5,000 का लॉस हुआ ना एसेट का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे कि एक हमारा लॉस हुआ है, किसका, बेस रिसीवेबल का, कितने का, 5,000 का। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करें, तुम कुछ करना स्टार्ट ही नहीं किए, सिर्फ क्वेश्चन फ्रेमिंग चल रही है। ठीक, और क्या हुआ है, डेटर की बात करें, डेटर में ये अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बैड हो गए 21,000। तो बताओ 21,000 से मेरा डेटर भी कम हो रहा है ना, तो डेटर भी हमारे कितने से कम हो गए, 21,000 से। आ रही बात समझ में, इनका भी काम खत्म। इन्वेंट्री मेरे कितने के थे, कितने के हो गए, यानी कि 30,000 से मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इन्वेंट्री, लेकिन ये जो 30,000 है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। कुछ कहानी समझ में आ रही है यहां तक, रिवैल्यूएशन बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। ठीक, जैसे उसमें प्रॉफिट और लॉस लिखते थे इसमें वैसे ही लिख दिए। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद से अब किसका नंबर आएगा, मशीन, मशीन कितने का था, कितना हो गया, कितने का नुकसान, तो यहां लिख देंगे मशीन 40,000 का लॉस। अरे नहीं वासन में क्लियर, और क्या है, 1,30,000 का था, कितना हो गया, कितने का लॉस, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना का, 30,000 का। सिक्योरिटी का अभी कुछ नहीं, अभी तो हम खाली देख रहे कि कितने का हमको नुकसान फायदा हुआ है, अभी तो सिक्योरिटी की बात ही नहीं, हम इसमें बस देख रहे हैं कितने का हमको फायदा नुकसान हुआ है, बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहले ये बताओ यहां से लेकर के यहां तक में कोई दिक्कत है, नहीं। पक्का नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात हम और बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बताया था आपको कल बिल डिस्काउंट के बारे में था ना, बोलो, बिल डिस्काउंट के बारे में बताए थे। 10,000 का मेरा बिल डिस्काउंट था और एस्टिमेटेड लायबिलिटी कितनी की हो गई, 4,500 की। ये जो 4,500 है वो भी तो एक तरह से मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि मैंने डिस्काउंट कराया था 10,000 का। ठीक, शायद कल सपना नहीं आती तो उसको बाउंसर जा रहा होगा, एक बार हम कहानी डिस्कस कर लेते हैं बिल डिस्काउंट वाली, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज तो बार बार आएगी, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक, कहानी सबको याद ही है क्या थी, मैंने क्या किया था, बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था, मुझे आज पैसे की नीड थी, मेरे पास एक क्या था, बिल था किसी के नाम का, वो हमको कितने महीने बाद पैसा देता, 3 महीने बाद, लेकिन मुझे आज के डेट में उसकी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। मैं ये बिल लेकर कहां चला गया, बैंक के पास, बैंक को मैंने ये बिल कितने का दे दिया, 10,000 की 4,500 का, 10,000 का। ठीक,
10,000 का मैंने ये बिल किसको दे दिया, बैंक को, और बैंक ने मुझे कितना पैसा दे दिया, 10,000। मान लेते 200 रुपया डिस्काउंट होगा, ठीक। अब 3 महीने के बाद से बैंक किसके पास जाएगा, उस व्यक्ति के पास, और बोलेगा कि मुझे क्या दो, 10,000 रुपया दो। और वो व्यक्ति कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, कितना नहीं दूंगा, 4,500 नहीं दूंगा। तो अब ये 4,500 रुपया किसको देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा, किसको, बैंक को। तो कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और ये जो लायबिलिटी 4,500 की बढ़ रही है, इसी को हम लोग कहां लिख देंगे, डिडक्शन में, ठीक। यानी कि यहां पे हमारी एक लायबिलिटी बढ़ रही है, और कितने की लायबिलिटी बन रही है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिल डिस्काउंटेड, और वो कितने का बढ़ा है, 4,500। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब ये जितना भी चीज लिखे हैं, ये सब के सब डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। इतनी बात समझ में, अगर इतना भी करो तो 5 नंबर तो इसी हाथ में आ गया, सिर्फ इतना करने का डेफिशिएंसी अकाउंट तुम्हारा आधा बन गया। आधा क्या हो गया, डेफिशिएंसी अकाउंट हो गया। यानी कि अगर मैं सर ये 6 चीज लिख दूं, तो मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट आधा क्या, 75% बन चुका है, ठीक। और इसमें कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया है, बुक वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू से क्या किया है, कंपेयर किया है। तो अभी तुम लोग कसम खाओगे क्या कि एग्जाम में भी अगर आएगा तो सबसे पहले रफ में क्या करेंगे, यही वर्किंग करेंगे। क्योंकि जैसे ही ये करोगे, तुम्हारे को कोई भी चीज भूलेगा नहीं लास्ट में, हो सकता है क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं कि इधर उधर हो जाए। तो पहले हम यही काम करेंगे कि पहले जितने भी असेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, उनको पहले हम क्या करेंगे, इस तरह रफ में लिख लेंगे, ताकि मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और मुझे इतनी चीज आप लोग को बतानी होगी जब मैं क्या बनाऊंगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। वो ऐड, वो डेफिशिएंसी, अगर ओवरऑल बनाएंगे तो जिससे जिससे हमारा डेफिशिएंसी बढ़ेगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसमें मेरा इससे डेफिशिएंसी बढ़ रहा है, ऐड कर देंगे, इससे डेफिशिएंसी बढ़ रहा है, ऐड कर देंगे, इससे डेफिशिएंसी बढ़ रही है, ऐड कर देंगे, इससे डेफिशिएंसी मेरी कम हो रही है तो इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐड, इसको ऐड, काम खत्म। कुछ कहानी में दिक्कत है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन पे आए, अब तक केवल पंचायत हो रही थी नजर की, ठीक। अब हम लोग किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे, ठीक। सर एक काम कीजिए ना, पहले आप डेफिशिएंसी अकाउंट ही बनवा दीजिए। तो एक काम करेंगे ना, लाइबिलिटीज पहले मेरे पास ग्रॉस लाइबिलिटी और ग्रॉस एसेट चाहिए। क्यों ग्रॉस एसेट्स और ग्रॉस लाइबिलिटी चाहिए, ताकि हम लाइबिलिटी और कैपिटल का एक्सेस बता सके कि मेरे एसेट्स के ऊपर कितना है। क्योंकि इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, डेफिशिएंसी कहलाता है। तो मुझे पहले पता करना होगा कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो पहले काम करते हैं इसमें असेट्स खोजने से अच्छा ये इसको अगर किसी को लिखना, पहले लिख लो, हम इतना बता रहे, इसको लिखो पहले, ठीक। इसको तो हमको मिटाना होगा, ठीक है, लिख लो, हाथ पैर चला लो थोड़ा, आलस भरोगी तो शरीर, जानती छात्र के लिए आलस सबसे बड़ा खतरनाक चीज माना गया है। छात्र जीवन में आलस जो कर लिया उसका कुछ नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा पाप माना गया। पता है तुम लोग संस्कृत पढ़ते हो कि नहीं, संस्कृत पढ़ाया गया है। अरे और क्या, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कुछ
हो गया? अरे जल्दी बदमाश कहीं पे लिख नहीं है, बैठ के फोटो ही खींचोगे, अभी फोटो भी आएगा तुमको दिमाग में। अब हम लोग बनाएंगे एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ताकि आप लोगों का काम और आसान हो जाए। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक। चूंकि ये मेमोरेंडम बना रहे तो इसको हम लोग फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमको एक काम करो, ये हमारी बैलेंस शीट है ना, इसमें पहले तो कसम खाओ कि सारी की सारी चीजें किस पे दिखेंगी, वाह, बैलेंस शीट में सभी चीजें बैलेंस पे दिखेंगी। सही है, गुड, वेरी गुड। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो इसमें सारी चीजें किस पे होंगी, बुक वैल्यू पे। सबसे पहले बताओ क्या क्वेश्चन में प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है? जी सर है। कितने प्रिफरेंस शेयर्स हैं? 2,000 हैं। 2,40 कहाँ है? यही तो गड़बड़ करते तुम लोग, ठीक। कितने हैं? 100 है, लेकिन 25 पेड किया। 2,000 है हमारे पास ना, तो यार है ना, कितने पेड किए इन्होंने? 100 रुपए वाले ना, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं देवी। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। 2,000 है, इसमें 100 रुपए के हैं, कितना पेड अप है? पूरा हमने मंगवाया ना इनसे, तो इसका मतलब कि मुझे कितना मिलना चाहिए था? 2 लाख। इसमें से कह रहा है कि 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 25 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, 2,500 माइनस कर दें, लेकिन इन्होंने 1,000 रुपया दे दिया। रिकवर्ड कितना रिकवर्ड हो गया सर? रिकवर्ड हुआ है 1,000। 1,000 आ गया, इसका मतलब कि मेरे पास आया है 2,01,500। कोई समस्या? बोलो, ये मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, अरे प्रेफरेंस हो गया। इक्विटी के कितने थे? 3,100 रुपए सर, 3,000 थे, 100 रुपए के थे, लेकिन 80 पेड अप था ना, तो पेड अप कितना लेंगे? 2,40,000, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी पे आते हैं, लाइबिलिटी में डिबेंचर थे क्या? डिबेंचर हमारे कितने थे? 6% थे, वेरी गुड। कितने थे अमाउंट? 3,00,000। और कौन से हमारे पास क्रेडिटर्स थे? कितने थे? 60,000। और हमारे पास क्या थे? पार्टली वाले कितने थे? 20,000। पार्टली क्रेडिटर्स हमारे पास 50,000 थे। अरे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक इतना बड़ा इसलिए लिखवाते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए, बुक वैल्यू। और बताओ क्या है? प्रेफरेंशियल्स कितने हैं? 5,000। और कोई लाइबिलिटी है क्या? अनसिक्योर्ड कितने हैं? 1,20,000। और कुछ है क्या? वो भी नहीं, भी वैल्यू पे दिखा रहा है, सब तो बुकी वैल्यू पे दिखा रहा है। इक्विटी वाले को उसको तो हम लोग नहीं किए बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट ये बुक वैल्यू ही तो है। 2,40,000 क्या है? अरे इक्विटी, ये बताओ इक्विटी से 100 रुपए के थे क्या? 100 रुपए आ गया तुम्हारे पास? लिखती नहीं हो क्या पेड अप एंड कॉल सिनेरियो निकालती हो? कॉल सिनेरियो सब नहीं पढ़ी हो क्या तुम लोग? ऐसे बात कर रहे हो, जितना पैसा आउटर में लिखते हैं ऑथराइज होता है उसको नहीं लिखते बाहर, ठीक। इश्यूड भी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा अभी को पता चला तुमको पुराना नाम? अभी को, यानी कि ये यहाँ हो गया अभी करी, अभी को। और हम अभी इसके पहले बोले भी थे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमको नए वाले से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये मेमोरी में डाल रहे हैं, ठीक। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ मेमोराइज करने के लिए हम रफ में बना रहे हैं, ठीक। चला बताओ कि और कुछ है मेरे पास? 75,000 है। और हमारे पास क्या है?
कंटीजेंट लायबिलिटी से मतलब नहीं है, बस और कुछ है? नहीं, इधर बताओ इन्वेंटरी। अच्छा लाइन से कोई भी बताओ, तो कोई भी ऐसे बताओ, पहले लैंड एंड बिल्डिंग ही बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? ये एक मिनट, अनसिक्योर्ड कितने का था? 120,000 का था। और ये 75,000 का था ना, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 130,000। बुक वैल्यू बताना है, ठीक है। और पहले मशीन बता दो, मशीन 150,000। इन्वेंटरी बताओ 120,000। और बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 15,000। और डेटर कितने के थे? 125,000। 125,000 बुक वैल्यू बता रही हो ना। हाँ सर। और कैश कितने हैं? 6,000। कैश देखो 6,000 है, डेटर में बैड भी है और 1,000 ये भी है। अच्छा गुड और बैड दोनों है। ये 125 क्या है, गुड है कि बैड है? केवल गुड की 125 है। और बैड कितने थे? तो 125,000 प्लस 21,000 146,000, ठीक। और क्या है, बस और कोई चीज बच रही है? इसको जरा ऐड करो, ऐड करो फटाफट फटाफट एकदम। कितना? 5,68,000। पक्का 10,51,500। इधर कितना है? 2,15,000। इधर काम को एक बार और फिर से बताओ, ये सही जोड़ी हो? यस सर, सही जोड़ी। 1,98,000। सही कह रही हो, ठीक कह रही हो। इस हाँ एक बात बताइए, नहीं सही हाँ सर, पहले हम लोग मान लीजिए 2,500 में से 1,000 माइनस करेंगे, 1,500 आ गया, 1,500 माइनस में आया, 1,500 माइनस में आया, माइनस में आया ना। हाँ ये तो हमको नहीं बताई थी कि माइनस में आया। अरे माइनस में ना आएगा, वो माइनस खुद ही लिखे हैं, 2,500 बचा हुआ है उसमें से 1,000 माइनस, 2,500 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 2,500 माइनस करोगे तो 1,000, तो ये 1,500 माइनस में आएगा ना, तो 1,500 माइनस करोगे 2,00,000। ये सही है, इसको जरा इसको इसमें से 10,51,500 माइनस 3 है, 10,48,500 आएगा ये, ठीक है। और इसमें से माइनस करो 5,68,000, 4,80,500, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी। और यही तो हमको चाहिए होता है,
ये डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो या इसको कह सकते हो एक्सेस ऑफ, जरा बताओ इसमें एक्सेस कौन सी साइड है, पहले तुमको ये बताओ तुम लोग इसमें एक्सेस कौन सा है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, तो एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी ठीक ओवर असेट। अच्छा ये बताओ ये बनाने में कोई दिक्कत होगी, आ रही बात सुन में, इसकी या तो तुम वर्किंग भी कर सकती हो, लेकिन वर्किंग से अच्छा होता है अकाउंट, ये आसान है। पहले सारी लाइबिलिटी लिख दो कि बुक वैल्यू पे, मतलब समझ लो कि एक बैलेंस शीट हमको बनाना है, और जैसे ही बैलेंस शीट बनाए हमारा ये क्या निकल गया, बैलेंसिंग फिगर ठीक, और हमारा बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा 10,48,500 ठीक, ये हमारा बन गया एक चीज। और हम लोगों ने पहले सारी चीज लिखवाई थी तुमको ठीक, उसका अगर हम ट्रीटमेंट करें तो मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट बच जाएगा ठीक। तो एक डेफिशिएंसी अकाउंट बना ही लेते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट की अगर हम बात करें तो जल्दी से बताओ पहले हम क्या लिख देंगे, एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल ओवर असेट कितना है 4,80,500 आ गया। अच्छा कोई नेट लॉस है क्वेश्चन में, नहीं है कोई नेट लॉस तो दिया नहीं क्वेश्चन में, कोई ड्राइंग फ्रॉइंग कुछ ऐसा कुछ है नहीं ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे हम लोग अब एडजस्टमेंट कर देते हैं जो हम लोग एडजस्टमेंट किए थे ठीक। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास था लॉस ऑफ एसेट, तो लॉस ऑफ एसेट इसमें ऐड करेंगे बोलो, तो लॉस ऑफ असेट जब हम इसमें ऐड करेंगे तो बताओ लॉस ऑफ असेट में क्या 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 का, या एक एक लाइन से बताओ पहले हम क्या लिखवाए थे, बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल कितने का था 5,000 का, और क्या था बिल डिस्काउंट भी कराए थे 4,500 का, और क्या था इन्वेंट्री बढ़ा था छोड़ दो, और मशीनरी 40,000, तो मशीनरी 40,000, और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का 30,000 का, और यानी कि बुक डेट्स यानी कि बैड डेट कह सकते हो, बैड डेट हमारे कितने के थे 21,000। ये सब तो माइनस में है मतलब सॉरी ये तो सब ऐड होगा, तो 40, 30, 70, 70, 20, 91, 91, 95, 96, 96 और 4 100,000 ये आया 100,000 बोलो। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हुआ है 30,000, तो यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 70,500। ये 70,500 ऐड में है ना, इसमें ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 550,000, नहीं 51,000, 551,000। अगर हम लोग कोई चीज मिस नहीं किए होंगे तो मेरे ख्याल से ये डिफिशियंसी आ रहा होगा, एकदम करेक्ट है कुछ इसमें दम बोलो बोलो, इतना करने पे आप लोग को मिल जाएगा, हमको लगता है 8 नंबर दे देना चाहिए, 7 नंबर तो मिल जाने 15 में मिनिमम। कोई समस्या है इसमें, है ना आसान। सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे दिमाग में ठीक। दिमाग में फ्रेम होने के बाद से क्या बनाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में कौन कौन सी प्लस और कौन कौन सी वाली थी माइनस में, उसको कहीं एक जगह रफ में लिख देंगे। फिर क्या बनाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट के लिए हमको एक्सेस ऑफ कैपिटल ओवर एसेट चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी। ये जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगा वो क्या बनेगा, मेमोरी में बनेगा, मेमोरी का मतलब उसको रफ पेपर में कहीं लिख देंगे, आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो अच्छे से ठीक। हम लोग इस तरीके से सबको बुक वैल्यू पे पहले लिख देंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज, हमारा डिफरेंस आएगा ये, और ये डिफरेंस हम लोग क्या लिख देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट जब बनाएंगे तो लिखेंगे एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर असेट कितना इतना, और बाकी जो भी पंचायत हम लोग प्लस माइनस वाला किए थे उसको क्या कर देंगे प्लस और माइनस कर, ये हमारा आ जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेफिशिएंसी नहीं अगर तो सरप्लस होगा, तो ये बस एकदम करेक्ट वही हो जाएगा जैसे हम बीआरएस में पढ़ते थे ठीक, बस यूजर नेगेटिव फिगर या पॉजिटिव फिगर हो जाएगा ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसमें आता है आपका लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एच जो हम लिखेंगे वो एच हम क्या लिखेंगे ये, और जैसे ही ये लिखेंगे अगर मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैच कर रहा है
तो मेरा क्वेश्चन सही अगर नहीं मैच कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। ठीक, इसको लिखना है, लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ? चलो देखो, सबसे पहले लिस्ट ए क्या है, लिस्ट ए, और इसको बोलते हैं एसेट्स, जो कि सिक्योर्ड हो और अनसिक्योर्ड वाला हिसाब किताब होता है ना। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं जो कि कहीं सिक्योर्ड नहीं होते, ये लिखते हैं ना, जो सिक्योर्ड एसेट नहीं होते हैं। तो याद रखना कि लिस्ट ए में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो सिक्योर्ड नहीं होता है किसी पे, भले हम इसमें लिखते हैं चीजें जो सिक्योर्ड होती है उसी की डिटेल्स देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें मतलब किससे होता है, उस अमाउंट से होता है जो किसी के ऊपर सिक्योर्ड नहीं है। तो इसके लिए पहले हमको बताना होगा ना साहब कि कहां कहां आपका सिक्योर्ड है। आप बस हमको डिटेल दो कहां कहां सिक्योर्ड वाला है, बाकी जितना बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। ठीक, तो सबसे पहले हमको डिटेल देनी थी जो सिक्योर्ड होते हैं, हमको निकालना क्या है जो सिक्योर्ड नहीं है, निकालना हमें क्या है जो सिक्योर्ड नहीं है किसी के लायबिलिटी पे। लेकिन हम उसको निकालने के लिए पहले डिटेल देना होगा किसका, जो एसेट सिक्योर्ड है। तो सबसे पहले एसेट सिक्योर्ड, और एसेट सिक्योर्ड की बात करें तो चार कॉलम खींचते हम लोग, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं रिलायबल वैल्यू, रिलायबल वैल्यू, और यहां पे लायबिलिटी, जो मेरी सिक्योर्ड लायबिलिटी भी कह सकते हो, सिक्योर्ड लायबिलिटी। ठीक, फिर हम लोग लिखते हैं डेफिशिएंसी, सरप्लस, जो भी लिख सकते हो डेफिशिएंसी, और यहां पे लिख देते हैं सरप्लस। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा एसेट जो सिक्योर्ड था वो था लैंड एंड बिल्डिंग, याद होगा फिगर, इससे हम कहते हैं फिगर बनाना। अब जरा फिगर अभी तो वही कहानी बताए है ना कि हमको निकालना क्या है वो एसेट जो नॉट स्पेसिफिकली सिक्योर्ड है, हम वही निकाल रहे हैं, लेकिन डिटेल हम उसके लिए क्या देंगे। अभी तुम दो मिनट के लिए खो गई थी, क्या गई थी, अभी तो यही चिल्लाए दो बार। ठीक, यहाँ पे हम डिटेल किसके देंगे, वो एसेट जो कि किसी ना किसी लायबिलिटी के पीछे सिक्योर्ड है, जब वो हमको पता चल जाएगा उसको हटा देंगे, बाकी जितने भी एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, अनसिक्योर्ड हो जाएंगे इसीलिए। ठीक, अब हाँ अच्छा, इसके पहले तो उसमें अरे यार ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो सिक्योर्ड था, मेरे ख्याल से दो जगह सिक्योर्ड था, हम कहां जाए, रुको रुको, हाँ सुन लो मेरी बात एकदम ध्यान से, अब सुनो, हम तीसरी बार रिपीट नहीं करेंगे, मैं तो बड़ी मार मारेंगे, अब सुनो। लिस्ट ए हमको बताता है, लिस्ट ए हमें बताता है वो असेट्स जो किसी लायबिलिटीज के पीछे सिक्योर्ड नहीं है। लिस्ट ए हमें क्या बताता है, वो एसेट्स जो किसी लायबिलिटीज के पीछे सिक्योर्ड नहीं है।
हमें ये बताना है कि कौन से एसेट जो कहीं भी सिक्योर्ड नहीं, ये चीज निकालनी है। उस चीज निकालने के लिए या तो हम सारा एसेट्स लिखे जो जो सिक्योर्ड नहीं है, उससे अच्छा है कि साहब आप डिटेल दे दो, किसका, उन एसेट्स का डिटेल दे दो जो क्या है, सिक्योर्ड है। अगर ये सिक्योर्ड हो जाएंगे तो बाकी जितने भी होंगे वैल्यू वाले बच जाएंगे जो मेरे पास, वो क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड ही होंगे। ठीक, यही हम शायद दो बार पहले भी बोले थे, यही सेम लाइन बोले थे, और यही मेरा सेम लैंड एंड बिल्डिंग पहले तो फुल्ली सिक्योर थे ना, किसके ऊपर थे सिक्योर्ड, 60,000 के, तो रिलायजेबल वैल्यू भी 60,000 ले लेंगे, डेफिशिएंसी कोई नहीं, सरप्लस भी आ रहे ना उस पे आ रहे। ठीक, ये फुली सिक्योर्ड हो गया। दूसरा भी चार्ज किया गया था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के थे, बताओ ये पार्टली सिक्योर थे ना, कितना एसेट रिलाइज हुआ था, अब बताओ जरा, 110,000 था ना रिलाइज, टोटल कितना रिलाइज हुआ था, 110,000 ना, अब 110,000 में 60,000 ले ले तो कितना बच गया एसेट, 50,000 बच गया, एक लाख लेस, सॉरी सर एक ही हुआ ना, तो कोई बात नहीं, हम फिगर नहीं बनाते फिगर, इसलिए आप लोग बना लो, इसलिए आप बताओगे। ठीक, हमको फिगर याद नहीं है, 100,000 था टोटल, 100,000 में 60,000 क्या हो गया, रिलायजेबल वैल्यू हो गया, बाकी जो 40,000 है वो क्या है, बाकी बच गया रिलायजेबल का वो हिस्सा जो बाकी बच गया, 40,000 का था लेकिन ये सिक्योर्ड कितना हुआ था सिर्फ, इसका मतलब कि 10,000 की डेफिशिएंसी की सरप्लस, कितने तेज बच्चे हो तुम लोग, एकदम सही है। कुछ कहानी समझ में आई, फिर सुन लो, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था सर, 100,000 का था, कितने का था, 100,000 का था, इस 100,000 में सबसे पहले मैंने किसको सिक्योर कर दिया, फुल्ली सिक्योर वालों को, इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन ध्यान से देखा करो, और मैंने लिखवाया भी था उसमें, मैंने पहले बोला था कि ये फुल्ली सिक्योर वाले कितने हैं, 60,000 तो क्या दिक्कत है, जब 40,000 60,000 उसको दे दिया, एक मिनट, हाँ पूछ रही हूँ, बोल रहे हैं फुली सिक्योर्ड को 40,000 60,000 उसको दे दिए, ठीक है, 40,000 पार्टली को कर दिए, 40,000 अब किसको लिए बचा, 30,000 पार्टली के लिए, पार्टली वाले थे कितने के, 30,000 के थे, तो सरप्लस मेरे पास कितना बच जाएगा, 10,000 का, बोलो नहीं, 50,000 के थे लेकिन 30,000 ही देना था, क्योंकि पार्टली का है ना, तो वो तो उतना ही देंगे, 30,000 देने के लिए बोला, 50,000 से था, जब जब आप बुक में देखोगे तब तब कंफ्यूज होगे, ठीक है, लेकिन चलो अब तो बुक नहीं, 60,000 सुनो सुनो, कोई बात नहीं, हम बुक के हिसाब से समझा दें, मैं बुक देख रही हूँ, रुको कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हम बता रहे, ये बताओ, एक चलो हटाओ अभी 5 मिनट के लिए सब ब्लैंक कर दो, हटाओ ये भी हटा ही दो, चलो हटाओ, लो तुम लोग को बुक के हिसाब से बता दे रहे, कुछ नहीं है ना, ब्लैंक, ये बताओ असेट कितने का था, 1,00,000 इसमें बोला है भैया फुल्ली सिक्योर्ड वाले हैं और कौन से वाले हैं, अनसिक्योर्ड वाले, मतलब पार्टी सिक्योर्ड वाले, पार्टी सिक्योर्ड वाले हैं कितने, मान्य 30,000, कितने के हैं, 30,000, मतलब 50,000 की लायबिलिटी है लेकिन मैंने कितना गिरवी रखा है, यानी कि बाकी कितना बच गया, 70,000 फुली सिक्योर वाले के लिए, अच्छा आपके लिए ऐसे ही कर देते हैं, यहां भी बताओ पार्टली सिक्योर कितना लिखे, 30,000, बोलो सिक्योर लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50,000 ना, डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20,000 की, ठीक है, कितना आ गया, अच्छा अब ये बताओ लैंड एंड बिल्डिंग अब मेरे पास कितने का बच गया, 70,000 का, सिक्योर लायबिलिटी कितने की थी, 60,000 की, सरप्लस कितने का आया, 10,000 का,
अल्टीमेटली हमारे पास बताओ 20 की डेफिशिएंसी 10 का सॉरी 20 की डेफिशिएंसी आ रही है। बीस की डेफिशिएंसी आ रही है, उसमें डेफिशिएंसी कुछ नहीं बचती। नहीं होगा नहीं सर, जब पार्टी वाले पे करेंगे उसमें भी तो 20,000 तो डेफिशिएंसी में जाएगा ही ना। नहीं नहीं नहीं, ओ ये 50,000 गड़बड़ लिखे, सॉरी ये 30,000 होगा। क्यों? क्योंकि 30,000 का है तो सिक्योर तो हमने सिर्फ 30 ही किया था ना, 50,000 की तो टोटल लायबिलिटी थी, सिक्योर तो हमने कितना किया था सिर्फ 30,000। यहाँ भी बात समझ में, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बस ये चीज है। क्या वही सेम चीज है दोनों? बुक में भी वही सेम दिया है, बुक में तुमको इसकी कोई वर्किंग किया ही नहीं है, समझती ना तुम लोग? बुक में खाली किसका किया है? इसका किया है। नो सर, उसका भी किया है। देखिए 70 लिखा है रियलाइज वैल्यू और 60 लिखा है ये सिक्योर और 10 लिखा है सरप्लस, तो हो गया। और नीचे इसका 30-50-20 दिया है। 30-50-20 कहां दिया है? देखिए सर, डेफिशिएंसी सिक्योर्ड पे डेफिशिएंसी 20,000 दिया है, दिया है, इसीलिए उसका 50 ही होगा, वहां 30 नहीं होगा। 20-10 क्वेश्चन में एक मिनट, क्या कह रहा है? सही एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ये 50,000 है तो डेफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 20,000 की है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्यों करें? बता रहे हैं जैसे आप वो कर रहे पहले, वो पहले वाला ही तरीका सही था, लेकिन चलो ये भी समझा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, उस केस में क्या होगा, ये 20,000 की जो डेफिशिएंसी है वो लास्ट में तुम्हारी ग्रॉस लायबिलिटी में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो यानी कि तुमको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा, बस यही बात है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि हमें तो ये 50,000 देना ही देना था, तो मेरी लायबिलिटी कितने की थी? 50,000 तुमको देना ही देना है। पहले कुल्ली को पेड करेंगे तो कुल्ली पेड को तो दे ही दिए, उसको पेड करेंगे तो पहले 60,000 खत्म होगा, 10,000 बचेगा, 10,000 बचेगा। 10,000 के बाद से कह रहा है कि तुम्हारे पास लायबिलिटी कितनी 30,000 की थी, ठीक? 30,000 में तुमको देना कितना था, सॉरी लायबिलिटी कितनी थी? 50,000 की थी। तुम्हारे पास पैसा सिर्फ कितना है? 30,000 और 10,000 पे किसका है? इसका है, यानी कि तुम्हारे पास टोटल पैसा 40,000 हो गया। 40,000 हुआ, तुमको पे कितना करना है? 50 ना, यानी कि 10,000 रुपया तुमको अभी भी ज्यादा देना पड़ेगा ना, तुम्हारे पास पैसा कम बढ़ेगा, यानी कि 10,000 की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। यही ना मतलब हुआ? फिर सुन लो, यहाँ पे मेरे पास 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया है, ठीक? यहाँ पे हमको 20,000 की क्या करना है? डेफिशिएंसी पे करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको 20,000 रुपया आगे चल के पे करना है, और मेरे जेब में कितना है? 10,000। तो तरीके से करेंगे तो 20,000 कभी नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 100% आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है, 10,000 रुपया तुम्हारे पास सरप्लस है, और तुम्हारी लायबिलिटी भी कितने की है? 50,000 की जो लायबिलिटी है उसमें से हमने केवल 30,000 पे किया, 20,000 रुपया हमको अभी भी क्या करना है? पे करना है। दोनों ही तरफ से हमको 10,000 की डेफिशिएंसी आएगी। 60,000 ऊपर पे कर देंगे तो 70,000 थोड़ी बचेगा, वो तो 60 ही हो जाएगा ना, नीचे 40 हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, तुमको पे कितना करना है? 1,10,000, बात खत्म। ये तो 1,10,000 हो गया ना, 1,10,000 पे करना है ना, तुमको रिलायंस कितना हुआ है? 1,00,000। तो 10,000 तो तुमको वैसे भी ज्यादा देना है, 20,000 की डेफिशिएंसी है, 10,000 का सरप्लस है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे जेब से कितना जा रहा है? 10,000। यही तो हम कह रहे हैं, बुक से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में हमने बोला 10,000 का सरप्लस होगा, पहले वाला आपका सही था। नहीं ठीक है, इसी से कर लो, क्योंकि पता नहीं वो सब जुगाड़ लेता है कि नहीं लेता है। हम मशीनरी पे भी आ रहे हैं, ये अभी इतना छोड़ो, एक बार फिर देख लो, एक बार और फिर देख लो। लो नहीं नहीं, पहले वाला छोड़ दो, तुम लोग ने तो बुक में कहोगे फिर, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में फिर वो वैसे ही करा होगा, तो फिर मेरा माथा पकड़ोगे सर दूसरे में फिर ऐसे किया। हाँ वो इजी ही होता है, लेकिन अब क्या करोगी? ठीक, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने की बात है। देखो यहाँ पे फिर देख लेते हमें लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे देखो पहले हमारे पास पार्टली सिक्योर्ड कितने के थे? 30,000 के थे रिलायबल वैल्यू, मतलब 30,000 मैंने सिक्योरिटी रखी, लेकिन मुझे देना कितना था?
यानी कि यहाँ से मुझे एसेट्स में बेचने पे भी हमको कितने की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि मुझे 20,000 की कमी पड़ रही है। हाँ। मैं लायबिलिटी को पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे 20,000 क्या पड़ेगी, कमी पड़ेगी। फिर मैंने बोला कि मैंने, मेरे पास रेजिबल वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 70,000, मेरी लायबिलिटी कितने की है, 60,000, यानी कि यहां से मेरा 10,000 रुपया बचेगा। ठीक, तो मेरे पास सरप्लस है कितने का, 10,000 का, और मेरे पास डेफिशिएंसी कितने का है, 20,000 का है। काम खत्म यहां तक। अब हम किसकी बात करते हैं, मशीन की। मशीन हमारे पास कितने की थी, रिलायबल वैल्यू बताना, कितना रुपया हमने सिक्योर किया था बैंक ओवरड्राफ्ट से, 75,000। कितने का सरप्लस आ गया, 35,000। काम खत्म। ठीक है, तो अभी तुम डेफिशिएंसी को यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कहीं भी। तुम अभी भी बोलोगे कि तुम्हारे पास सरप्लस कितना है, 45,000 का तुम्हारे पास सरप्लस है। दिमाग में क्या रखोगे कि मेरे पास 45,000 का सरप्लस है, और सरप्लस कहाँ से निकला, एसेट्स को, एसेट्स को गिरवी रखने के बाद से अभी मेरे पास 45,000 रुपया बच रहा है, पैसा बच रहा है सरप्लस के तौर पे। ठीक है, सबसे लास्ट में तो वो 20,000 माइनस कर सकते हैं ना सरप्लस से। वो 20,000 का वो क्या दिखाएगा, ग्रॉस लायबिलिटी दिखाएगा कि साहब ये पार्टली वाले है ना, तो पार्टली जो बच जाता है वो मेरे क्या आते हैं, अनसिक्योर्ड, यानी कि मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो 20,000 हमारी कहां दिखेगी, लायबिलिटी में। ठीक, और ये 45,000 हमारा कहां दिखेगा, सरप्लस में। ठीक, तो अब यहां पे तुम बोलोगे कि यहां पे हमारे पास सरप्लस कितना अमाउंट निकला, तो बोलोगे सरप्लस हमारे पास निकला है 45,000। ठीक, और अदर एसेट्स हमारे पास कितने के रिलायंस में, वो भी निकालना पड़ेगा हमें। अदर एसेट जरा बताओ कितने कितने के थे, देखो कौन कौन से पैसे मिले होंगे, कैश था, कैश कितने के थे, 6,000 के थे। इन्वेंट्री कितना इलाज हुआ था, वो बस फोटो याद रखो जो फोटो बनवाए थे, 1,00,000 50,000 रिलायबल वैल्यू बताना है। बिल्स रिसीवेबल कितना रिलाइज हुआ था, बैड डेट माइनस करने के बाद, क्योंकि 15,000 का था और 5,000 क्या हो गया, और क्या बचा, डेटर हमारे पास गुड थी सीधे 1,25,000, और हमारे पास क्या है, अनपेड कॉल हमने मंगवाया था किससे, इक्विटी प्रेफरेंस वाले थे, कितने 2,000 थे ना शायद, 1,000 लोगों से मंगवाए हैं, 25,000 अच्छा वो जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया था 1,000। ठीक, अब इसको जोड़ लो कितना आएगा, कुछ छूट नहीं रहा है, कोई अमाउंट छूट तो नहीं रहा है, दो लाख 92,000, तो ये हो जाएगा 2,92,000, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3,37,000। अब कुछ खाने समझ में आए, बोलो। ठीक, बुक में ये तुम्हारा पहले ऊपर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको भी ऊपर इसको नीचे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, इतना मेरे पास असेट्स है जो गरीबों में बांटना है। सबसे पहला नंबर आएगा डिबेंचर वालों का, क्योंकि सिक्योर्ड खत्म, पार्टली सिक्योर्ड खत्म, पार्टली सिक्योर्ड में पूरा खत्म नहीं हुआ है, केवल 30,000 खत्म हुआ है, जो 20,000 है डेफिशिएंसी वो तो ऑटोमेटिक मेरा क्या बन गया, अनसिक्योर्ड, तो हम लोग उसको अनसिक्योर्ड की तरह पेमेंट करेंगे। यही 3,37,000 किसमें बटेगा, गरीबों में। ठीक, अब आप गरीबों की बात कर लेते हैं, सबसे पहले किसको पेमेंट होगा, डिबेंचर्स को, डिबेंचर्स हमारे, इसको मिटा दे थोड़ा क्या, अगर तुम समझ गए तो लिख लोगे खुद से। सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, डिबेंचर, यानी कि हम पहले ये लिख देते हैं हमारे पास रिलायबल एसेट कितना है, रिलायबल एसेट 3,37,000। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले लिस्ट सी तक तो हो चुका है, नहीं प्रिफरेंशियल बचे हैं, पहले प्रिफरेंशियल को पेमेंट कर दे। ठीक, प्रिफरेंशियल हमारे पास कितने थे,
5,000, तो हम लोगों ने 5,000 किसको पे कर दिया, ठीक। कितना आएगा? डिफरेंशियल से पहले डिवेंचर को पे कर, क्यों कर रहा है उसका रीजन बता रहे हैं पहले, इतना लिखो यही करते और इसके बाद से किसको पे करते हैं, उस पर आ रहे डिबेंचर्स को करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में ये बोला था कि डिबेंचर्स वालों को, डिबेंचर्स वालों को फ्लोटिंग एसेट पे राइट होगा, लेकिन अनकॉल्ड वाले पे नहीं होगा। यही पढ़े थे ना, तो अनकॉल्ड वालों पे नहीं होगा, इसका मतलब कि अनकॉल्ड वाला कोई अमाउंट है अभी क्या? अनकॉल्ड तो इसमें अमाउंट है नहीं, तो इसमें पहले अधिकार किसका बनेगा? डिबेंचर वालों का। नॉर्मल हम लोग किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस को, इसलिए पहले मैंने उसको लिखवाया है कि पहले किसको पेमेंट होगा? प्रेफरेंस का, ठीक। कितना पे होगा? 5,000, और ये हर क्वेश्चन में होगा, इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़ा अलग चीज ऐड किया है। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, पहले लिस्ट ए वालों का हो गया, लिस्ट ए मैंने लिख लिया, लिस्ट बी कौन थे? फुल्ली सिक्योर्ड, उनका इसी में हो गया, पार्टली सिक्योर्ड, लिस्ट सी हमारे क्या थे? प्रेफरेंशियल, तो पहले किसका होगा? प्रेफरेंशियल वालों का, फिर किसका होगा? डिबेंचर वालों का। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर की कहानी अलग थी, इसीलिए पहले किसका पेमेंट होगा? डिबेंचर वालों का। इतनी बात समझ में आई, ठीक। कितने के थे डिबेंचर? 3,00,000 के थे। हाँ, डिबेंचर कितने बच गए हमारे पास? 37,000। अब इसमें पहले किसको पे, अब किसको पे करो? प्रेफरेंशियल को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के थे? 5,000। अब ये 32,000 जो है ये पे होगा अनसिक्योर्ड वालों को, तो हमको पहले निकालना होगा अनसिक्योर्ड वाले हैं कितने, अनसिक्योर्ड, और ये हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट, लिस्ट ई, ये क्या हो जाएंगे? लिस्ट सी, और ये क्या हो जाएंगे? लिस्ट डी। इसमें चूंकि पहले हो रहा है लिस्ट डी वालों का, क्योंकि क्योंकि कहानी थी क्वेश्चन में, ठीक। लिस्ट ई वाले बताओ जरा अनसिक्योर्ड थे कितने, तो पहले बताओ ट्रेड पेबल्स कितने के थे? तो ट्रेड पेबल्स हमारे पास कितने के थे? 1,20,000 के, यही थे। और भी कुछ है? हाँ करेक्ट। और वो जो ये कहा गया 30 और 50 का डिफरेंस आया था ना, ये भी तो अब अनसिक्योर्ड बन गए, तो पार्टली लिख सकते हैं इसको, पार्टली सिक्योर्ड वाला कितने का। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है कि बीजा कहाँ आया, ठीक। और हमने बताया भी था जो पार्टली वाला बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड, फिर उसका हम बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक। कहानी इतनी क्लियर हो गई। और हमारे पास क्या है अनसिक्योर्ड में, कुछ है? और एक कंडीजन लाइबिलिटी बनी थी मेरी शायद 4,500 की बनी थी ना, कितने की थी? कंटिजेंट लाइबिलिटी लिख दो, कंटिजेंट लाइबिलिटी कितने की थी? और क्या बचा? बैंक ओवरड्राफ्ट भी है क्या? अरे बैंक ओवरड्राफ्ट तो गिरवी था लड़की, देखो ना, तो इसका काम खत्म है, अब ये नहीं है जीवित, ठीक। बस यही है इतने हमारे, 1,40,000, 1,44,500। मेरी बात अब ध्यान से अब सुनो, जो अब हम बताने वाले हैं। पैसा मेरे पास कितना है देने के लिए, और कितने लाइबिलिटी मेरी, यानी कि यहीं से मेरा डेफिसिट आना शुरू हो गया। आ रही बात समझ में? यानी कि हम कितने, हमारे पास 32,000 में हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट, बैलेंस लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ अनसिक्योर्ड। तो बैलेंस ऑफ अनसिक्योर्ड कितना हो जाएगा? 1,44,500 माइनस 32,000, कितना आएगा ये बता जरा तो? 1,12,500, 1,12,500। इसके बाद से अब प्रेफरेंस वालों का होगा। प्रेफरेंस वाले कितने थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर निकाले थे हम लोग शायद पहले ही बैलेंस शीट जब बनाए थे, तो 1,98,500। और इक्विटी वाले कितने थे? 2,40,000। बस ये तीनों को, तीनों का क्या पेमेंट हो पाएगा? तो बस वही 8 वाली है ना, क्योंकि अनकॉल्ड को बोले भी नहीं कि हम लोग, तो 8 ही रह गए, तो उनका शेयर भी कितने का? 8 के हिसाब से होगा। इनको पेमेंट नहीं हो पाया, इनको नहीं हो पाया, इनको नहीं हो पाया, तो जल्दी से बताओ क्या यही मेरी डेफिशिएंसी है? यही तो मेरी कमी हो रही है ना,
तो जब यही कमी है तो ये मेरी कमी डेफिशिएंसी से कितनी निकली थी, 5,51,000। इनको भी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, अगर 5,51 आ रहा है तो मेरा आंसर सही है, नहीं आ रहा होगा तो गड़बड़ है। देखो जरा, तीन और तीन 11 का, 1, 11, 2, 9, 10, 11, 4, 15। ठीक, तो यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, बस इतना आसान है। ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हैं लिक्विडेशन के अंदर में, और मैं सच बता रहा हूँ बीकॉम थर्ड ईयर में यही सबसे बढ़िया चैप्टर भी है, बीकॉम थर्ड ईयर में, पूरे बीकॉम में इससे थर्ड ईयर में तो खैर तुम लोग में है ही नहीं कॉर्पोरेट अकाउंट, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मिला करके, ठीक, जो सबसे बेस्ट चैप्टर अगर बनाया गया तो यही बनाया गया लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन में भी ये जो टॉपिक है बस ये सिंपल सिंपल, इंटरनल में भी इतना कुछ दम नहीं है, लिक्विडेशन हमने पहले बताया है, और लिक्विडेशन सुन लो बस, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारा काम खत्म, ठीक। क्वेश्चन ये, लेकिन ये सबसे मजेदार, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो फटाक से, हाँ फोटो खींचो भाई, भूल भूल कैसे गए, हमको समझाना होता है हमको अगर खुद करना हो तो दुख अलग रहेगा, हम लोग आपके बच्चे हैं तो हम लोगों को भी तो समझना पड़ता है, नाटक मत बतिया तुम लोग करो, नाटक क्या बतिया रहे सर, नौटंकी बात तुम लोग, तो बच्चे तो मत पढ़ो, बैठ जाओ घर पे, और का जितना दिमाग, अच्छा अभी तो बच्चे एक क्वेश्चन और इसमें हम कराएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बस काम खत्म।